फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू उत्तीर्ण क्लासेस। हमने पिछले पार्ट में 12th क्लास के लिए एडवर्टाइजमेंट टॉपिक पढ़ा था और वो टॉपिक चल रहा था अपना प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड प्रॉपर्टी टू परचेज। उसका एक क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया था प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान देना आपको कि सपोज दैट यू आर शीतल शर्मा। कल्पना करो कि आप शीतल शर्मा हो, लिविंग इन महेश नगर जयपुर, महेश नगर जयपुर में रह रहे हो। ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि महेश नगर जयपुर में रह रहे हो आप, और आप शीतल शर्मा हो। सपोज दैट यू आर शीतल शर्मा लिविंग इन महेश नगर जयपुर। आप शीतल शर्मा हो, महेश नगर जयपुर में रहते हो। यू वॉन्ट टू सेल योर शॉप। आप अपनी शॉप को बेचना चाहते हो, दुकान को बेचना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इट इन ए न्यूज़पेपर। अर्थात आपको अखबार में छपवाने के लिए इस संदर्भ में एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप शीतल शर्मा हो, महेश नगर जयपुर में रहते हो, आप अपनी शॉप को बेचना चाहते हो। इस संबंध में आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है अखबार में छपवाने के लिए। तो देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एक टाइटल दिया था आपको, प्रॉपर्टी फॉर सेल। वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। पिछले एडवर्टाइजमेंट में हमने यहाँ शॉप की जगह हाउस लिखा था, ए हाउस फॉर सेल। अब यहाँ शॉप की बात की जा रही है, तो आपको लिखना है ए शॉप फॉर सेल कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में लिखने के बाद आपका पूरा ऐसे कैसे रहेगा जैसे हमने पिछले एडवर्टाइजमेंट में किया था हाउस फॉर सेल के लिए, तो आपको वहाँ पर जो हाउस के लिए जो नेसेसरी थिंग्स होती है वो आपको मेंशन करनी है, और जो शॉप के लिए नेसेसरी थिंग्स होती है वो आपको मेंशन करनी है। तो देखिए, यहाँ हमने लिखा फॉर इमीडिएट सेल ए न्यूली बिल्ट शॉप। पहले पिछले एडवर्टाइजमेंट में यहाँ हमने हाउस लिखा था, अब यहाँ आपको सिर्फ चेंज इतना सा करना है कि यहाँ पर आपको शॉप लिखना है। फॉर इमीडिएट सेल ए न्यूली बिल्ट शॉप। शॉप कहाँ है ये भी आपको लिख देना है, इन महेश नगर जयपुर। महेश नगर जयपुर में है, क्योंकि आप महेश नगर जयपुर में रह रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ महेश नगर जयपुर ही लिखो। आपका ये तो रेजिडेंस है, महेश नगर जयपुर, ये तो आपका रेजिडेंस है। दुकान आपकी और कहीं हो सकती है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। जैसे वैशाली नगर जयपुर लिख दिया, जैसे ऑन एमआई रोड जयपुर लिख दिया, तो यहाँ तो आपका मतलब दुकान से संबंधित एड्रेस आएगा कि आपका दुकान कहाँ है। तो यहाँ लिखा हमने इन महेश नगर जयपुर। दुकान का साइज लिख दिया कि 20 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर फीट, अर्थात 20 बाई 25 की दुकान है ये। ईस्ट फेसिंग, पूर्व की तरफ मुंह है दुकान का। मार्बल फ्लोरिंग, दुकान में मार्बल की फर्श है। पावर एंड वाटर कनेक्शन, बिजली और पानी का कनेक्शन है। वाटर टैंक है। और फ्रंट बालकोनी, सामने वाली बालकोनी है। और आप लिख सकते हो लेट बाथ भी है, एडसेट्रा इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपकी दुकान में अवेलेबल है। इसकी आपने प्राइस बताई, प्राइस लास्ट में आपको लिखना है प्राइस, कीमत। और इसकी कीमत है 20 लाख रुपए, अर्थात 20 लाख रुपीज़ इसकी कीमत रखी गई है। फिर लास्ट में लिखना है आपको कॉन्टेक्ट टू में आपको जो पर्सन में एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस लिखना है, शीतल शर्मा, प्लॉट नंबर 120, पुरानी कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर। इसके बाद आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख दीजिए अपने। ये प्रॉपर्टी फॉर सेल से संबंधित आपका एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें हमने दो क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन तो किया हमने ए शॉप फॉर सेल वाला जो अभी किया है, और एक क्वेश्चन किया हमने ए हाउस फॉर सेल वाला जो हमने पिछली क्लास में किया था। वापस आपको समझना है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी जो नेसेसरी थिंग्स हैं, यानी कि जो हाउस से संबंधित जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मेंशन करनी होती है। शॉप से संबंधित जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मेंशन करनी होती है। बाकी आप शुरू यहीं से करेंगे इसे, चाहे शॉप हो या हाउस। फॉर इमीडिएट सेल ए न्यूली बिल्ट शॉप, ए न्यूली बिल्ट हाउस, हाउस या शॉप का जो एड्रेस है, जैसे महेश नगर जयपुर, दुकान आपकी कहाँ है, महेश नगर जयपुर में है। दुकान का आकार क्या है,
20 by 25 feet है. ईस्ट फेसिंग, मार्बल फ्लोरिंग, पावर एंड वाटर कनेक्शन, वाटर टैंक, फ्रंट बालकोनी, लेट बाथ एट्सेट्रा. और इसकी आपने लास्ट में प्राइस लिखनी है, 20 लाख रुपी, 30 लाख रुपी, 40 लाख रुपी, आप कितने भी लिख सकते हो. कॉन्टेक्ट टू, यहाँ आपको फिर एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है. क्वेश्चन में एड्रेस आया है शीतल शर्मा, प्लॉट नंबर 120, पुरानी कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर. और लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, सॉरी कॉन्टेक्ट नंबर आपको अपने लिखने हैं या और कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लिख सकते हो. तो इस प्रकार से हमने ये प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए दो क्वेश्चन सोल्व किए हैं. आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा. और इसके बाद हम आगे और भी हम प्रॉपर्टी से संबंधित, चल अचल प्रकार की जो संपत्ति है उनसे संबंधित, बेचने और खरीदने संबंधित बात करेंगे. इससे अगला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू ए लॉट ऑफ, आपको बहुत बहुत अधिक धन्यवाद. और यदि आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो और पढ़ाने क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.